1000 रुपए को हल्का लेने वालों, आओ आज तुम्हें मैं 1000 रुपए के शशकिया दिखाता हूँ। गली के नुक्कड़ पे बैठे 4 सपाटर लौंडों से इस 1000 की औकात पूछो जो आज भी अमेरिकन सिस्टम में 250 मिला के पार्टी करते हैं। अगर उन सपाटरों की 1000 वाली पार्टी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा 1000 रुपए के बजट में कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी के कई सारे बेमिसाल खाने इस 1000 वाली सीरीज के एपिसोड 7 में। सिर्फ 1000 रुपए में आप शाह फैसल कॉलोनी से कितना कुछ खा सकते हैं, आइए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। यूं मैं अपने रिवायती अंदाज में पहले खाने की तरफ बढ़ा। चलते हैं अभी 1000 और शाह फैसल का आपस में मुकाबला करवाने, देखते हैं भाई कौन जीतता है। और मुकाबला कराने के लिए इस 1000 को सबसे पहले हम लोगों ने किसके साथ जो है टकराना है, A1 पिशावरी पे, A1 पिशावरी चपली कबाब पे, जो कि भाई शाह फैसल का काफी फेमस है। ये भाई उठते ही वीडियो में आना चाह रहे थे, मतलब भाई आज और तबीयत सही है भाई? ठीक है, आप सुना? बस शुक्र है मालिक का आपको। चलो 1000 रुपए का खात्मा करने के लिए सबसे पहले शाह फैसल की A1 पिशावरी चपली कबाब पे चलते, जो कि बहुत ही ज्यादा माना जाना है और एक अलग ही यहाँ का माहौल होता है भाई। सिर्फ चपली कबाब नहीं है, कहीं पे चपातियां लगी हुई है, कहीं पे कढ़ाइयां तैयार होती है, कहीं पे पराठे तैयार होते हैं, कहीं पे कटाकट लगे हुए होते हैं, कहीं पे चपली कबाब खुद तैयार हो रहा होता है और एक अलग ही माहौल होता है। फैमिलीज भी होती हैं, चीजें तो बहुत सारी हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने तो भाई खाना है यहाँ का सिर्फ A1 चपली कबाब, वो यहाँ का फेमस आइटम है, हमें वो ट्राई करना है। तो आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं पहले A1 पिशावरी चपली कबाब से। ये चपली कबाब पे रश है भाई यहाँ के, ये आप पीछे तवे पे देख रहे थी, चार चार बंदे एक साथ लग रहे हैं, कोई पेड़े बना रहा है, कोई तेल के अंदर उसको डुबकी लगवा रहा है, कोई निकाल रहा है, कोई पैक करके दे रहा है, कोई कस्टमर हैंडल कर रहा है, भाई एक अलग ही माहौल लगा हुआ है यहाँ का। तो जनाब ये आ चुकी है पिशावरी A1 चपली कबाब की चपली कबाब, हम लोगों ने मंगाया है पाओ। और यहाँ पे क्योंकि वेट का हिसाब चलता है, चपली कबाब के पीस का हिसाब नहीं चलता, वेट का हिसाब चलता है। और हम लोगों ने चपातियाँ मंगाई, आप उस चपाती का जरा साइज देख लें, मैं तो पूरा जो है ना चपाती के पीछे छुप गया हूँ। चपली कबाब का जो है ना बाइट लेते हैं और चेक करते हैं कि भाई इनका टेस्ट क्या बताता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दम है भाई, दम है। इनके चपली कबाब की खासियत पता ही क्या है? खासियत है जब भी तो इतना रश आता है खाने के लिए, खासियत ये है कि यार इनके अंदर मीट की क्वांटिटी भी ना काफी है। अक्सर ऐसा होता है चपली कबाब के अंदर मीट की क्वांटिटी बड़ी कम होती है और उसके अंदर प्याज और साबित धनिया वगैरह कूट कर डाले हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर अनारदाना भी ऐड किया हुआ, उसका टेस्ट भी आ रहा है, हर बाइट में दम है भाई। तो जनाब पिशावरी A1 चपली कबाब की एक पाव चपली हमारी ले गई 360 रुपए की रकम और साथ में चपाती 30 रुपए की, टोटल हमारे कितने चले गए? 390 रुपए भाई, 1000 रुपए में से ये चपली कबाब और चपाती हमारा 390 रुपए ले चुरा। चपली कबाब खाया? हाँ खाया। अच्छा, इसका नाम चपली क्यों है? है? ये कब से मेरे जहन में चल रहा है, हमें क्या सवाल लेके घूम रहे कि इसका नाम चपली कैसे पड़ा? तो भाई कैसे पड़ा यार, ये तो मुझे भी नहीं पता, बहुत चपली खाया मैंने, कहा तुम्हें पता होगा मैं पूछूंगा। हम सिर्फ खाने वाले, इतनी गहराई में नहीं जाते कि इसका क्यों नाम पड़ा। तो यार आप लोग बताओ कि भाई इसका नाम चपली कबाब क्यों पड़ा, मुझे तो भाई नहीं पता। जो बात आप बता दीजिए कमेंट्स में, कमेंट में। तो माजे बकाया के पैसे उड़ाने के लिए अब तुम्हारा क्या मूड है? यार उड़ाएंगे नहीं, खर्च करेंगे, खर्च करेंगे। हाँ खाएंगे, इतने ज्यादा है नहीं ना जो उड़ाए। अबे 1000 रुपए को तो हल्का ले रहा है। अच्छा फिश खानी है? फिश कहाँ से खिलाएगा? ऐसे भी राल ही टपक आती है फिश विश देख, फिश का नाम सुनते और देख के राल तो टपक आती है। तो भाई इसे राल को थोड़ा काबू करते हैं। शाह फैसल में मेन पर ये चौक पे ये है यासिर फिश वाला, यासिर फिश। चलो तो भाई यासिर के पास पहुँचो। ये भाई भी ये फिश वाले ठिये पे खड़े हुए थे, इसका मतलब कि भाई फिश बहुत अच्छी है, दम है फिश में, दम है, दम है, दम है। और ये मैं अपने घर के लिए भी लेके जा रहा हूँ, आपको भी रिकमेंड करूंगा, आप यहाँ आए शाह फैसल चौंगी पे बिल्कुल सामने। और अगर आप देखें तो यहाँ पे शाम के टाइम आप आए, फैमिली के साथ आए, दोस्तों के साथ आए, फिश को देखें भाई, ऐसा क्या है इसके अंदर जादू कि लोगों ने अभी जो है ना रिकमेंड करना भी शुरू कर दिया। कौन कौन सी फिश है आपके पास? सर मेरे पास फुल रखा है, माशाल्लाह से मुश्किल रखा है, सोल पापलेट रखा है, किलर भी थोड़ा जबरदस्त, सोल पापलेट बोला और कौन सा बोला? मुश्का, ये कुंद है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार पांच किस्म की इनके पास फिश पड़ी हुई है। भाई ये हमारी फ्राई फिश आ चुकी है,
सोल पापलेट का ये फिंगर फिश है, ये सोल पापलेट की फिंगर फिश है ये, और ये है मुश्का, ये जो साबित वाली पूरी आप देख रहे हैं। भाई सबसे पहले मुश्का से शुरू करते हैं और इसका टेस्ट देखते हैं कि भाई मुश्के का टेस्ट क्या बताता है असल में। साथ में इनकी जो स्पेशल चटनी इन्होंने दी हुई है यार, क्या बताओ यार, जबरदस्त मछली कच्ची तो देख मछली ही रही, उसके अंदर जो कमाल है ना सारा, वो इनके जो मसाले हैं ना, जो इन्होंने मसाले लगा के रखे हुए थे उनका कमाल है, क्योंकि होता ही सारा गेम मसाले का है। और ऊपर से जो अलग दूसरा चाट मसाला डाल के दिया जो इन्होंने अपना स्पेशल मसाला, उन्होंने भी कुल मिला के ऐसा मज़ा किया है ना, ये जो आम सी मछली है ना उसको बहुत ही ख़ास बना दिया है। अभी आते हैं भाई सोल पापलेट के फिंगर फिश पे, इसके अंदर मछली वाली महक थोड़ी सी ज़्यादा है, इसके अंदर महक बिल्कुल भी नहीं आ रही मछली वाली, मसाले का टेस्ट आ रहा था, इसके अंदर थोड़ी सी फिश की वो स्मेल है लेकिन अच्छी वाली। ये होता है ना इतनी बुरी कि बंदा खाए तो उससे खाया ना जाए, जो बंदा ना भी खाता होगा ना वो भी इस मछली को खाएगा। साथ में मिर्च भी आया हुआ है तो मिर्च मियाँ को भी जो है ना खा लिया जाए वरना ये नाराज़ हो जाएगा। और अबे यार ये तीखा तो नहीं होगा बहुत, खा के देखो तो पता लगे ना। तीखापन किधर है इसका? अच्छा तीखापन किधर है? ये मिर्च जो है ना तेल में पक के जो है ना ये तल के खसी हो चुका है, इसके अंदर तीखापन निकल चुका है, एंड में थोड़ा सा आ रहा था वो भी जाते आते इसने मुझे महसूस कराया कि हाँ भाई मैं मिर्ची हूँ। इसमें जो साबित फिश थी ना जिसका नाम मुश्का था वो इनकी तरफ से था कॉम्प्लीमेंट्री। हम लोगों ने जो ऑर्डर करी थी वो फिंगर फिश करी थी एक पाव, वो थी 220 रुपए। इससे पहले हमारे बजट में हमारे पास बचे थे 610 रुपए, अब 610 रुपए में से 220 रुपए चलेगा। माजिद आप कितने बचे? अब हमारे पास बचे 390 रुपए। 390 रुपए अभी भी बचे भाई। माजिद यार मैं ना काफी गर्म हो गया। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। क्या मतलब है गरम? अबे गरम मतलब वो मछली गरम होती है ना, वो खा के मेरा अंदर वो जो है ना वो अंदर गरम हो गया है। यहाँ पे आइसक्रीम का बड़ा रुझान है, जो भी आइसक्रीम मेरा मैदा ठंडा कर देगी, मुझे ठंडा कर देगी, आग बुझा देगी मेरी अंदर की मैदे की आग। तो जनाब माजिद मेरा मैदा ठंडा कराने आया है कराची सोडा एंड आइसक्रीम की आइसक्रीम खिला के। और ये भाई ने ऊपर से स्प्रिंकल भी लगा दिए, काफी बड़ी आइसक्रीम है ये देखो। ये इसका बिस्किट देख रहे हैं आप, ये जो कोन है ना ये लोकल वाला नहीं है ये बिस्किट, ये ओरिजिनल वाला है, काफी थिक सा है। यार मैं तो आइसक्रीम को इसको हल्के में ले रहा था, बिल्कुल भी हल्की वाली नहीं है। जैसा कि इसके अंदर हर फ्लेवर था यार, अंजीर था, पाइनएप्पल था, और भी वनीला था, पता नहीं कितने किस्म के जो है ना इसके अंदर फ्लेवर थे, सारे मिक्स होके जब आ रहे हैं ना एक ही उसमें, इस तरीके का जो थड़क के दे दिए उन्होंने मजीद मजा करवा दिया। कैमरा तो बंद है ना? हाँ कैमरा। अबे दिखने में जबरदस्त, जायके में लाजवाब आइसक्रीम हमारे सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए ले गई? 90 रुपए। सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए, और खाने में ऐसी कोई जबरदस्त थी और थी भी काफी ज्यादा, काफी बड़ी थी। तो भाई 390 रुपए में से हमारे 90 रुपए चले गए, सो सिंपल 300 रुपए बच गए, 300 रुपए अभी भी बचे हैं भाई। क्या बात है भाई, शाह फैसल कॉलोनी तुम्हारी क्या बात है। तो व्यूअर्स अब तक जो हम लोगों ने खाने खाए वो थे शाह फैसल 2 नंबर चौरंगी के, अब हम आपको लेकर आ गए हैं 3 नंबर चौरंगी पे। और 3 नंबर चौरंगी पे आने का हमारा मकसद क्या था माजिद? यहाँ पे हमें खानी है नाइन बिरयानी है कोई YBC जैया बिरयानी सेंटर पूरा है। हाँ तो भाई ये ऐसी बिरयानी है, यहाँ पे सिर्फ बिरयानी नहीं है पुलाव भी है, और ये सारी रात तक लगा रहता है ये, और क्या जबरदस्त माहौल होता है, देख पे देख आती रहती है, बहुत ज्यादा रश लगा रहता है टाइम। खा के देखते हैं भाई ये बिरयानी या पुलाव जो भी खाना है जो सबसे ज्यादा अच्छी है, पुलाव खाएंगे। चलो भाई माजिद का मूड हो रहा है पुलाव खाने का, तो भाई YBC का पुलाव चल के खाते हैं। तो
तो व्यूअर्स, ये यैया बिरयानी सेंटर यानी के YBC का हमारे पास बीफ पुलाव आ चुका है और हम लोगों ने मंगाया है 1.5 पाव। बहुत ही रसीला और चमचमाता इनका बीफ पुलाव है, दाना दाना इतना खिला हुआ। पिंकिश बोटियां, ये देखें बिल्कुल पिंकिश बोटियां, ये एक बोटी, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, और इसका टेंडरनेस मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल जो है ना बोटियां हलवा बनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए 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 भाई, ये पुलाव मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरा है। जैसी इसकी शक्ल बता रही थी ना, वैसा इसका टेस्ट भी चीख चीख के बोल रहा है कि भाई मैं शक्ल से ज़्यादा खूबसूरत हूँ, शक्ल से ज़्यादा बेहतरीन हूँ खाने के अंदर। बिल्कुल ही यकनी पुलाव बना हुआ है, ये बहुत आला टेस्ट है, मसालों में भी इतना बराबर। वाकई यार, ये जो लोग आए हैं ना खाने, ये इसके टेस्ट के पीछे आए हैं, ये ऐसे ही नहीं आए कोई बात है, जब ही आए खाने के। कराची के पुलाव और बिरयानी पूरे पाकिस्तान में फेमस भी होती हैं, तो इसी वजह से फेमस होती हैं कि उनका टेस्ट ही फिर एक अलग ही होता है, लाजवाब, जो आपको पाकिस्तान में दूसरी जगहों पे बहुत ही कम देखने को मिलता है, बल्कि कम खाने को मिलता है। ये 3 नंबर चौरंगी पर ये गुंबद है, और ये बिल्कुल गुंबद के सामने आपको मिलेगा ये रहा। तो व्यूअर्स, आप लोग ये सोच रहे होंगे अब तो इनके पैसे मुक गए होंगे, या बल्कि इनको और ऊपर देने पड़े होंगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा बीफ पुलाव जो कि 1.5 पाव था, ये कितने रुपए ले गया हमारे? 200 रुपए भाई, 300 रुपए में से 200 रुपए का मार्जिन मैं बता रहा हूँ। अब रह गया हमारे पास 100 रुपया, तो भाई अभी भी 100 रुपया हमारे पास रहता है। फिश भी हो गई, बीफ भी हो गया, यार बेचारी चिकन नाराज होगी, मुझे उसका दुख हो रहा है यार। अबे भाई 100 रुपया बच गया, 100 रुपए में क्या चिकन मिलती है? चिकन पता है कितने रुपए किलो हो गई है? अबे यार, तू थप्पड़ मारने से पहले और शोर करने से पहले तू मुझसे पूछ तो ले। अच्छा बता दो। अबे इधर एक बंदा बड़ी जोर से चीख चीख के बुला रहा है। क्या बोल रहा है? कि चिकन रोल। अच्छा। चिकन रोल। हाँ। और वो कितने का तुझे पता है? पता नहीं। इसी 100 रुपए के अंदर मैं तुझे चिकन रोल खिलाऊंगा, तू आ जा। अच्छा। कलंदरी नहीं भाई, दमादम मस्त कलंदर ये खिला रहे, कलंदरी वाला, और काफी ज्यादा रश है इसी वजह से लोगों का खाने वाला। वैसे भी पाकिस्तानी कहीं भी सस्ती चीज देखते तो ऐसे पहुंच जाते जिस तरह मीठे के मकोड़े भी लग जाते। चमचमाती पन्नियों के अंदर हमारे 2 रोल आ गए। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि इनके पास बचा था सिर्फ 100 रुपया, उसके अंदर ये 2-2 रोल भी हाथ में थमाए बैठे, ये क्या माजरा है? तो मेरे भाई, ये तुम शाह फैसल कॉलोनी में बैठे हुए हो, अभी आपको बताते हैं कि 2 रोल हमें किस हिसाब में कितने रुपए के पड़े। सबसे पहले मैं खा रहा हूँ कलंदरी वालों का चिकन रोल पराठा, और उसके बाद फिर दूसरा है हमारे पास कबाब रोल पराठा। तो भाई सबसे पहले चिकन रोल पराठे को मैं टेस्ट करके देखता हूँ। अब इसका रेट देख और इसका टेस्ट देख यार, अब आप अंदाजा लगाओ 100 रुपए में ये 2 रोल मिले हमें। और पहले मैं सोच रहा था कि यार रेट के हिसाब से क्या फारिक और क्या थका हुआ रोल होगा, लेकिन नहीं यार, इस दौर में उसने देखा आपने कितना चिकन भी डाला, फिर उसके अंदर चटनियाँ, प्याज, और फिर ये पराठा भी। कबाब रोल खा रहे अभी माजिद, मैंने जो खाया था वो खैर अच्छा वाला खाया था, माजिद को दे दिया थोड़ा मैंने हल्का वाला। तुम समझ रहे हो ये हल्का है? हाँ, एक बाइट लेके देखो तो पता लग जाएगा ये हल्का है अच्छा है। तो व्यूअर्स, ये चिकन रोल और कबाब रोल हमें 100 रुपए के मिले, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के। 80 रुपए का मिला हमें चिकन रोल, और कबाब रोल 20 रुपए का मिला, टोटल मिला के 100 रुपए की। यार इस दौर में हैरत वाली बात है कि नहीं है। तो भाई इसी 100 रुपए के साथ हमारा 1000 रुपया हुआ तमाम। तो आप लोग ये बताएं कि भाई शाह फैसल कॉलोनी ने हमें 1000 रुपए में जो चीज़ें नवाजी, आया हमें अच्छी चीज़ें नवाजी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नवाजी, या आपके हिसाब से भाई कुछ ख़ास चीज़ें नहीं थी? ये तो मज़ीद आप फिर हमें बताएंगे कमेंट में। तो आप लोगों ने कमेंट में हमें लाजमी बताना है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, क्योंकि आगे भी और मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए आने वाली है। और वीडियो पसंद आई हो या भले ना भी आई हो ना, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को आपने लाइक करना है, आपने साथ में कमेंट भी करना है, आपने शेयर भी करना है वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ही एंड करने वाले हैं। आपके साथ मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।